दहावी बारावीची लेखी परीक्षा यंदा ऑफलाईन होणार आहे. राज्य शिक्षण मंडळाकडून परीक्षा घेण्यासाठी तयारी केली जाते. लवकरच याविषयी धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हे एवरीवन गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड. तो अगर आप एक 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. तो इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला था. तो वो न्यूज़ ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आ चुकी है. मतलब लगभग फ़िलहाल इसी में जो 23rd अप्रैल है, ठीक है, 23rd अप्रैल से लेकर 29th मई 2022, इस दौरान जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स हो सकते हैं. ठीक है, ये आप मान, बट अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अनाउंस नहीं हुई है, बट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट है मान के मतलब आप इसको जो है लेके चल सकते हो ताकि आप अपने स्टडीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से कर सको. ठीक है, तो इसको अगर आप समझ के मान के चलोगे कि यही मेरा एग्ज़ाम डेट है तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है फोकस कर पाओगे अपने स्टडीज़ पे. क्योंकि अगर हमें पता नहीं होता है ना कि हमारा डेट कब है बोर्ड एग्ज़ाम का डेट, तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि आज से नहीं कल से स्टडी करूँगा कल से स्टडी करूँगा. तो वो जो है डेट जो है आने के बाद मतलब एक डर सा रहता है कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, अब हमें पढ़ना चाहिए कुछ भी करके. तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है, अब मान लो कि यही जो है आपका ऑफिशियल डेट है और अब से स्टडी करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम मतलब कि जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाए इससे. ठीक है, तो ये मत मान के चलो कि एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसा कुछ होएगा नहीं. ठीक है, आगे हो सकता है, आगे डेट हो सकता है, ये हो सकता है. ठीक है, उसको ऐसा मान के चलो ताकि आपका जो मार्क्स है इंक्रीज़ हो जाए इसकी वजह से.